ये हमारा फर्स्ट वीडियोज़ है जिसमें हम लोग आईपीओ का रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं पेटीएम आईपीओ का, जो कि मोस्ट अवेटेड पेटीएम आईपीओ है। और सब लोगों को शायद इसका इंतज़ार था, क्योंकि एक ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग में और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पेटीएम आईपीओ के बारे में। क्या इस पेटीएम आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या इसमें हमें लगाने से प्रॉफिट होगा या नहीं, हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कंपनी के बारे में सबसे पहले। तो जैसे कि पेटीएम कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है, और इंडिया की डिजिटल ई कॉमर्स कंपनी है, जहाँ पे हम लोग सारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट जैसे बुकिंग से लेके हो गया, आपका होटल बुकिंग हो गया, रेलवे बुकिंग हो गया, टिकट बुकिंग हो गया, रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स होंगे, सारे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सब कुछ इनके पास अवेलेबल हैं। तो इसके बाद इन्होंने अपना पेटीएम मॉल भी लॉन्च किया, जहाँ पे हम लोग जो भी रिटेल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं, वो सब भी हम लोग इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन्होंने अपना लॉन्च किया ब्रोकरेज, जहाँ पे इन्होंने डीमैट अकाउंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया है, इनका खुद का वॉलेट है। और इस कंपनी का जो है अगर बात करें इसमें, तो इन्होंने अपना बैंक भी लॉन्च किया पेटीएम बैंक, जिसके थ्रू लोग एटीएम से और बैंक में ट्रांसफ़र करना, ये सब भी सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड किया। तो और पेटीएम के आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मर्चेंट्स वगैरह हैं, अगर देखा जाए इनके, जहाँ पे हम लोग पेमेंट कर लेते हैं ऑनलाइन कोई भी चीज़, हम लोग आजकल ऑनलाइन करते हैं मोस्टली, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि कंपनी के जो है टोटल वैल्यूएशन की अगर बात करें, तो 6.3 यूएस डॉलर की इसकी वैल्यूएशन है, 6.3 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी वैल्यूएशन है। और अगर यूजर बेस की बात करें तो टोटल 303 मिलियन, मतलब 333 मिलियन इनके यूज़र बेस हैं। और बात करें अगर इनके मर्चेंट की, तो टोटल इनके मर्चेंट जो रजिस्टर्ड हैं 21 मिलियन प्लस इनके मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं, जिनको ये अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यूएशन बताया कंपनी का, तो कंपनी के कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ भी जान लेते हैं कि लास्ट के दो तीन ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके लिए हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि कितने, मतलब लास्ट के दो तीन क्वार्टर्स में कितना इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी इनकी रही है, फिर उसके अनुसार हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है लार्जेस्ट आईपीओस हैं, 18,300 का इश्यूएंस साइंस है। तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल हम लोग देख लेते हैं, जून 2021 का परफॉर्मेंस, जिसमें इसके जो टोटल एसेट थे 94,590 करोड़ के थे। उसके बाद जो आपका जून 20 का आप देखें तो 102 करोड़ 777 आपका था। उसके बाद 31 मार्च टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें, हम लोग इसी तरीके से पूरा क्वार्टर्स का हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो इनका जो था 19 से देखा जाए 31 मार्च 19 से, मतलब लास्ट 4 ईयर्स का परफॉर्मेंस है ये। तो इनका रेवेन्यू था पहले 35,797, फिर उसके बाद इनका जो डेट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो था 42,309। तो ये जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस में थी 42,000 करोड़ के। फिर उसके बाद जो है आपका 1 मार्च 20 में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनके जो लॉसेस हैं थोड़े कम हुए हैं, 29,424। फिर उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 31 मार्च 21 को इनके जो लॉसेस हैं और थोड़े कम हुए हैं, 17,000 करोड़ है। और 30 जून 20 अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2,844 करोड़ है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, मतलब ये भी लॉस ही है, 3,819 करोड़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि समय के साथ में इनके जो लॉसेस हैं कम होते जा रहे हैं। और जैसे कि इनके जो प्लानिंग है, जो इन्वेस्टमेंट आईपीओ में जो पैसा लगवा रहे हैं, तो उससे ये लोग बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो होपफुली इनके बिजनेस और ग्रो करेंगे और इनके लॉस जो भी हैं फर्दर रिड्यूस होंगे और इनके बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस और एक अच्छी प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस हो जाएंगे। तो अब बात करें कि चलिए अब इसमें कि क्या आईपीओ का डिटेल्स क्या है, कब किस तारीख को ओपन हो रहा है। तो 8 तारीख को इसका आईपीओ ओपनिंग डेट है, 10 तारीख को इसका क्लोजिंग आईपीओ का डेट है। अगर बात करें इसमें तो फेस वैल्यू एक है, एक फेस वैल्यू मतलब यह है कि आपको अगर जो भी अलॉटमेंट मिलेंगे उसमें कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा। जैसे कि रिसेंट में अभी IRCTC के आईपीओ में, सॉरी IRCTC के स्टॉक्स में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो इसमें स्टॉक स्प्लिट नहीं होंगे। फेस वैल्यू पे एक हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम लोग फर्दर डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, आईपीओ प्राइस क्या होंगी, प्राइस बैंड क्या है, 2,080 रुपये से लेके 2,100
₹50 प्राइस बैंड इसके हैं। मार्केट लॉट कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप अप्लाई कर सकते हो, 6 अप्लाई कर सकते हो। और एक जो होंगे, एक पर्सन जो होंगे, कितने नंबर ऑफ रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं कितने अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, तो रिटेल के लिए 15 आप लगा सकते हो, मतलब टोटल 19 शेयर्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब 1,93,500 का। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट लगेंगे 12,900 रुपीज़ लगेंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। तो आईपीओ ओपन डेट आपको 8 तारीख है, क्लोज डेट आपका 10 नवंबर है। बेसिक्स अलॉटमेंट डेट जो है 15 नवंबर 2021 है। उसके बाद अगर रिफंड, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो रिफंड जो आएंगे आपके 16 नवंबर से आएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट आपको 17 तारीख को आपके उसमें आ जाएंगे। और आईपीओ के जो लिस्टिंग डेट है वो आपका है 18 नवंबर 2021। चलिए, तब हम लोग जानना चाहते हैं कि अब इसमें आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो लास्ट डेट तक आप वेट करें। आप देखें कि अगर आईपीओ 4 to 5 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम दो या तीन सिस्टम के थ्रू अप्लाई करें, मतलब 2-3 ID से अप्लाई करें, ताकि अगर एक आध आईपीओ मिस हो जाए तो भी आपको बेनिफिट इसमें मिले। मतलब अगर कोई भी आईपीओ में अगर आ जाए तो थोड़ा आपको लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल आप अगर अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, आईपीओ में बेनिफिट कब होता है, जैसे देखिए बुल मार्केट होता है तो उसमें आईपीओ कोई भी आते हैं तो अच्छा रिटर्न दे के जाते हैं। अगर आईपीओ अच्छा भी होता है, अगर मार्केट बेयरिश मोड में है या मार्केट में गिरावट आ रही है, तो आईपीओ अच्छा भी होता है लेकिन उसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो हमें उस समय का मार्केट सिचुएशन देख के भी हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने आईपीओ के बारे में सारी डिटेल आपको बता दिया है। अगर अभी आप इंटरेस्टेड हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक डिटेल बताएंगे। जैसे ही आईपीओ ओपन हो, स्टार्ट हो, तो एक दिन आप वॉच करें, देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइब इसमें हो रहे हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स है या टोटल नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर 5 टाइम से मोर देन इनफ हो रहे हैं, मतलब टाइम हो रहे हैं, तब आप उसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं और आप कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन का मुनाफा जरूर पा सकते हैं। और एक चीज़ बता दें, कोई भी अगर कंपनी आती है स्टार्टिंग में, तो पहले जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप जो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग ही कंपनी हो, आगे चल के धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती हैं। तो इसका प्लान और फ्यूचर्स कंपनी का अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो इसमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियोज़ को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे टॉपिक पे चाहते हैं। अपकमिंग आईपीओज हमारे आने वाले हैं LIC के, उसमें भी हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे डिटेल में, आपके साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।